नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आज बैंक निफ्टी में जो आज देखिए जो मूव हुई है वो एक वॉलेटाइल मूव थी, और जो है हमने जो है सेकंड सेशन में जो मूव देखी वो एक देखिए वन साइडेड मूव थी, तो बहुत अच्छी मूव थी, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम जो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको कल लेवल बताए थे वो लेवल अचीव हुए या नहीं हुए, वो हमारे टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। तो अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि हमने कल देखा था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आया था और आज जो है फाइनली बैंक निफ्टी में ये देखिए जो है आज जो कैंडल बनी है वो फाइनली एक डोजी टाइप की आज एक कैंडल जो है मार्केट में फॉर्म हुई है। अगर हम ये डेली कैंडल के चार्ट में देखें तो आज जो इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो थोड़ी सी ओपनिंग नीचे ही हुई थी, 28,935 पर ओपनिंग हुई थी, और जो कल की जो यहाँ पर क्लोजिंग थी वो 28,903 की थी, और यहाँ ओपनिंग जो है 28,935 के बाद हाई जो लगा इसका देखिए 29,404 का हाई लगा और लो लगा 29,582 का। तो यहाँ पर आप गैप देखिए, यहाँ पर नियर अबाउट 900 पॉइंट्स की जो है मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और क्लोजिंग जो हमारी आई है वो फाइनली 29,150 पर आई है। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट में देखें तो ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर अभी ओपन कर लिया है। तो फाइनली देखिए ये जो 5 मिनट में जो पहली कैंडल बनी थी, ये देखिए यहाँ पर जो 5 मिनट में जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो देखिए काफी अच्छी एक हैमर कैंडल बनी थी, बट इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसके ऊपर जाकर ट्रेड लेना और स्टॉप लॉस रखना ये मतलब बहुत थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह का कोई हमने ट्रेड मतलब 5 मिनट के कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लिया था। देखिए मैं फाइनली जो 1 मिनट के कैंडल चार्ट में और 2 मिनट के चार्ट में ट्रेड करता हूं, तो यहां पर जो है हमने ट्रेड जरूर बनाया था। 29,000 की कॉल हमने ली थी, 442 पर ली थी और इसको 519 पर बेची थी, ठीक है। तो चलिए हम टेलीग्राम चैनल के बारे में ही बात करेंगे, जो हमने आज ट्रेड लिए थे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसका लॉजिक समझाऊंगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था, अपने क्लाइंट्स को अपने ऑप्शन बैच में ग्रुप में जो भी मेरे क्लाइंट्स थे उनको मैंने वो कॉल क्यों दी थी। और देखिए मैं यहाँ पर टेलीग्राम में भी आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो चार्ट जो है आपको ट्रेड लेने में जो है पूरे हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आज जो है मूवी फाइनली यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर आप अगर लास्ट अगर स्विंग लो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक स्विंग लो था। पहले मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये मेरी अभी की एनालिसिस करी हुई थी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर पहला ट्रेड बनाया था। अब मैं आपको पहला ट्रेड भी बताया था मैंने क्यों बनाया था, ठीक है ना, मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और आप भी जो है ट्रेड लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला ट्रेड जो हमने बनाया था, अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ, ये देखिए इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ और आपको अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आज चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जब एक हैमर कैंडल बनी थी तो हैमर कैंडल के ऊपर ही हमने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, जब फाइनली मार्केट जो है 28,940 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो हमने यहाँ पर 29,000 की कॉल बाय कर ली थी और यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी मूव मिल गई थी। देखिए पहले तो मैं 50-60 पॉइंट के लिए जाता हूँ और 1:2 के लिए मैं जाता हूँ, ठीक है ना, और मोस्टली टाइम कभी कभी अगर मार्केट में कंडीशन ठीक ना हो तो मैं 1:1 भी जो है मैं 50% क्वांटिटी बुक करके ट्रिम में ट्रेड करता हूं। मैं फर्स्ट जो है पहले अपना प्रॉफिट लॉक करता हूं, उसके बाद सबसे पहले मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूं फिर प्रॉफिट मैनेज करता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी देखनी चाहिए। तो ये फर्स्ट हमारा ट्रेड था और देखिए हम एक दूसरा ट्रेड लिया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि देखिए दूसरे ट्रेड में मेरे से मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है वो मैं बताया था आपको, मैं यूट्यूब की आज वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए कभी आपसे भी ऐसी मिस्टेक ना हो, अगर आप भी ट्रेड लेते समय ऐसी गलती करते हैं तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना, जो गलती आज मैंने कर दी है। मैंने देखिए दूसरा ट्रेड जो हमने लिया वो देखिए फाइनली हमने दिए तो इसमें 20 रुपए स्टॉप लॉस है, बट एक मेरे को एक हिट लगता है, एक झटका लगता है जब कोई स्टॉप लॉस हिट होता है कि स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, बिकॉज मैं ट्रेड तभी लेता हूं जब मेरी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होती है, मैं तभी ट्रेड लेता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। अब यहां पर देखिए हमने यहां पर ट्रेड क्यों लिया था, हमने यहां पर यह ट्रेड लिया था कि देखिए ये जो आप जो ओपनिंग देख रहे हैं जो 2 मिनट 1 मिनट कैंडल मैंने लगाई है, अब ये 1 मिनट की कैंडल ये देखिए और यहां पर देखिए, तो इस जगह पर मैंने जो है दूसरा ट्रेड लिया था। मुझे देखिए ऐसा एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। सो मैंने यहां पर ये देखिए ये जो रेड कैंडल है फिर ग्रीन कैंडल है फिर रेड कैंडल है, जब यहां पर इसका जो है लेवल ब्रेक हो गया था, यहां पर जो सपोर्ट यहां पर ले रहा था 28,815 के लेवल पर, ये जब ब्रेक हो गया था तो फिर मैंने यहां पर एंट्री बना ली थी, ठीक है ना, और जो मैंने एंट्री बनाई थी वो एंट्री थी देखिए 28,800 की पुट मैंने बाय करी थी, वो 431 पर बाय करी थी, ठीक है, वो 431 की जो पुट जो है वो 462 गई, मतलब 31-32 पॉइंट ऊपर भी गई, जबकि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट था,
ठीक है, और कॉल मेरी 32 पॉइंट गई, मतलब 1:1 तो मतलब आराम से मिल गया, 1:1.5 मेरे को मिल रहा था, बट मैं वहां पर बुक नहीं कर पाया, ठीक है ना, बिकॉज मैं यहां पर एक बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सो मैं वहां पर बुक नहीं कर पाया, और फाइनली देखिए यहां से जो है मार्केट मुड़ गया। अब मेरी गलती क्या थी वो सुनिए, मैंने क्या मिस्टेक किया, मैंने मिस्टेक ये किया कि यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, और डबल बॉटम पैटर्न में, डबल बॉटम पैटर्न के बाद यहां पर देखिए एक हैमर बन गया था। फाइनली देखिए ट्रेड तो मैं यहां पर एक्सक्यूट कर चुका था, अब हैमर तो ये बाद में बन रहा है, तो मतलब मुझको तो नहीं पता ना कि अब यहां पर क्या बनने वाला है, मुझको तो ऐसा था कि यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, बट यहां पर हैमर बन गया। सो देखिए गलती मेरी ये थी कि मैंने विदाउट ब्रेक हुए लेवल, विदाउट ब्रेक हुए, बिना ब्रेक हुए लेवल मैंने यहां पर पुट मैंने बाय कर लिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो जो आप अपनी गलती सुधारिए। देखिए मैंने आज अपनी गलती की, तो मैंने अपनी गलती तो मैंने माना है कि हाँ मैंने आज ये गलती हुई है मेरे से। कभी भी लेवल ब्रेक होने के बाद जो है पुट बाइंग करिए, अदरवाइज जो है अगर वो बाइंग साइड में है तो आप कॉल को जो है बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये मेरी बड़ी गलती थी। कभी भी अगर डबल टॉप पैटर्न बनता है तो आपको वहां पर कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, और यहां पर देखिए कितना अच्छा कंफर्मेशन मिला था। कंफर्मेशन मिलने के बाद जो है देखिए हैमर बना और कितना अच्छा यहां से मूव हुआ। आप यहां पर देखिए यहां पर 28,750 से लेकर के नियर अबाउट 29,000, ठीक है, तो यहां पर लमसम 150-250 पॉइंट का यहां पर मूव हुआ, ठीक है ना। फाइनली हमने बाद में जो है इस ट्रेड को हमने मैंने नहीं लिया, बिकॉज मैं जो है मतलब आधा घंटा में एनालिसिस करता रहा अपनी गलती पर, मैंने ये मिस्टेक क्यों की और की तो क्यों की, मैंने अपने रूल क्यों ब्रेक किए, ठीक है ना। सो देखिए मैं कभी भी अपने रूल और डिसिप्लिन ब्रेक करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है ना, मोस्टली मैं करता नहीं हूं बट कभी कभी हो जाता है, जैसे आज हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया, ये लॉजिक समझा दिया, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे, 5 मिनट का मैंने यहां पर चार्ट लगा लिया है, ठीक है ना। फाइनली जैसा कि मैंने पहले आपको बता रहा था कि देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक होने के बाद हम जो है बेरिश हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पर कल मार्केट देखिए बेरिश हुई, काफी अच्छी बेरिश हुई थी, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर जो लेवल था, आप यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक लेवल ड्रॉ करने जा रहा हूं अब, जो मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया। सॉरी ये देखिए ये लेवल ड्रॉ है, मैं यहां पर जो है इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, फिर आपको देखिए मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, समझिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा आज, ठीक है ना, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। फाइनली देखिए बैंक निफ्टी ने जो यहां पर आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए एक रेंज बनती है। कभी भी अगर आप ट्रेड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, देखिए आप सिर्फ एक पैटर्न पकड़ लीजिए, आप उसी से प्रॉफिट कंटिन्यू बनाने लग जाएंगे। सपोर्ट पकड़ लीजिए, रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, अब वहां पर वेट करिए एक रेंज बनने का। देखिए फाइनली यहां पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट यहां से रिवर्स हुई, और रिवर्स भी देखिए बहुत अच्छी खासी हुई, मोर देन 500-600 पॉइंट जो है रिवर्स हुई, ठीक है ना। तो मैं यहां पर टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू चार्ट पोस्ट कर रहा था, और मैं एरो बना के आपको बता रहा था कि देखिए अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, नीचे का लेवल ब्रेक होगा तो हम पुट साइड जाएंगे, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था। चलिए ये तो हुई आज की बात, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की, ठीक है ना, कि मंडे को हमको किस तरह से ट्रेड करना है और मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर क्या लेवल, यहां पर देखिए अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट एक बार ये लेवल टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा 28,650 का। यहां पर आने के बाद देखिए एक हमको डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न मिलेगा, और वहां पर बाइंग कंफर्मेशन के बाद हम जो है बाइंग साइड में जा सकते हैं। दूसरा देखिए अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में हमारे पास देखिए ये अभी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ऊपर ये देखिए ऊपर एक और रेजिस्टेंस 29,770 के लेवल के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये मैं आपको ड्रॉ करके सारी चीजें दिखा रहा हूं कि आप जो है गलती ना करें, चीजें देखें, समझें, सीखें, ठीक है ना। तो ये देखिए अब मान लीजिए यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग में आपको यहां पर मान लीजिए 29,570 या फिर यहां पर मिलता है आपको 29,750, तो ये लेवल देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से सेलिंग आ सकती है। तो अगर इस लेवल पर आपको मिले तो आप यहां पर सेलिंग को प्रेफर करिए मोर देन रेदर देन बाइंग, ठीक है ना। सेकंड देखिए अब मैंने आपको एक चीज और बता दी, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में अगर ये लेवल ब्रेक होता है 29,145 का तो आप जो है सेलिंग साइड में जा सकते हैं। आपका यहां पर पहला टारगेट जो होगा वो होगा 28,930 का, और दूसरा टारगेट जो होगा 28,660 का होगा। अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी आपको 29,570 के आसपास मिलता है तो यहां पर एक कंफर्मेशन के बाद जो है कोई रेड कैंडल बने या कोई नेगेटिव कैंडल बने तो वहां पर आप जो है सेल साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज यहां पर ओपन होने के बाद और मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दे तो यहां पर 29,770 के लेवल पर जो नेगेटिव कैंडल के बाद आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। देखिए अब ये लेवल हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 29,770 का लेवल, ठीक है।
तो 29,770 का लेवल देखिए, अब इसके ऊपर हम बाइंग तभी करेंगे जब कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है ना। एक मिनट की कैंडल नहीं, दो मिनट की कैंडल नहीं, पांच मिनट की कैंडल नहीं, कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमको इसके ऊपर चाहिए, तब हम यहां पर बाइंग साइड में जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम जो है यहां पर जो है सेल के लिए प्रेफरेंस करेंगे, हम सेल के लिए यहां पर जाएंगे 29,770 के लेवल पर। देखिए अब मैंने तीनों सिनेरियो आपको बता दिए, गैप अप अगर आपको यहां मिलता है इस लेवल पर 29,580 या फिर आपको 29,770 के लेवल पर, तो यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर 29,130 का लेवल ब्रेक होता है तो आप सेल साइड में जाइए, 29,900 का लेवल पहला टारगेट होगा और जो है 29,670 का दूसरा टारगेट होगा। अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपनिंग होगी 29,900 के आसपास, तो वहां पर एक प्राइस एक्शन का वेट करिए, ठीक है ना। कम से कम देखिए आपको यहां पर बीच में कहीं बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको यहां पर बाइंग करनी है, यहां सेलिंग करनी है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए मंडे के लिए हमारी ये दो रेंज है, ऊपर की रेंज 29,500-600 है और नीचे की रेंज जो है 28,600, मतलब ये 1000 पॉइंट की हमारी जो एक रेंज है। अब यहां पर हमको ट्रेड करना है, इस लेवल पर आएगा तो हम सेलर बन जाएंगे, इस लेवल पर आएगा तो हम बायर बन जाएंगे। देखिए इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर मतलब हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि आप मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। देखिए मार्केट अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, इंट्राडे ट्रेडर जो है अपना व्यू जो है इमीडिएटली चेंज करता है। अगर वो बायर है तो कैंडल को देखकर या फिर मूवमेंट को देखकर या फिर कोई भी मतलब कोई कंफर्मेशन देखकर वो सेलर बन जाता है, अगर वो सेलर है तो बायर बन जाता है। सो आपको भी यही करना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, खासकर ऑप्शन की अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको व्यू चेंज करना आना चाहिए। अगर आप अपना व्यू चेंज करना नहीं जानते हैं तो आप यहां से पैसे कमा के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान से मतलब ट्रेड करिएगा, थोड़ी आज मार्केट वोलेटाइल थी, बट देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए मार्केट वोलेटाइल मतलब हम किस तरह के चीजों को कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आपको जो ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मार्केट ये देखिए यहां से ओपन हुई, नीचे की तरफ गई और ये देखिए यहां पर फाइनली आके क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब मैं लेवल ये ड्रॉ करूंगा, देखिए यहां ओपन हुई थी और यहां पर आकर क्लोज हो गई, ठीक है। तो समझ लीजिए जहां पे ये गाड़ी खड़ी थी वहीं पर ये गाड़ी आके रुक गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। इस तरह की मार्केट ज्यादातर देखिए हम जो है एक्सपायरी डे में देखते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा एक बार देखिए, यहां पर देखिए मार्केट ओपन हुई, ठीक है ना, यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहां पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद देखिए नीचे की तरफ गई, जो है डे लो ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ जाने के बाद जहां पर ओपन हुई थी फाइनली वहीं पर आके क्लोज हो गई, ठीक है ना। मीन्स गाड़ी दिल्ली स्टेशन से चली थी और दिल्ली स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। तो इसको बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। इस तरह की मार्केट एक्सपायरी डे में जो है बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। देखिए मैं वहां पर अपने ट्रेडिंग आइडिया में शेयर करते रहता हूं, कंटिन्यू आप लोगों को चार्ट पोस्ट करते रहता हूं। शायद इतना एफर्ट कोई नहीं करता होगा जितना मैं मतलब अभी आप लोगों को मैं सोचता हूं कि मतलब लॉस मत बनाए प्रॉफिट बनाए। सो अगर देखिए आप मेरी जेब से तो लेकर जाएंगे नहीं, ठीक है ना, या फिर मेरी पॉकेट से निकाल के जाएंगे। मैं इसलिए आप लोगों को शेयर करता हूं कि आप जो है कम से कम मार्केट का व्यू समझना चालू कर दीजिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, लॉजिकल ट्रेड करिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको लेवल सारे शेयर करता हूं। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको टेलीग्राम में जो भी मैंने चार्ट पोस्ट किए थे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि मतलब वहां से हमने किस तरह से ट्रेड बनाए, आप लोगों को मैंने किस तरह से मैंने क्लू दिए थे, हिंट दिए थे। फाइनली पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। अब देखिए एचडीएफसी बैंक के लिए जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, ठीक है ना। तो यहां पर ऊपर का लेवल जो था हमारा 1400, ये देखिए 1420 का लेवल बताया था कि 1420 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। और यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको कि यहां पर एक देखिए रेंज बन रही है, ठीक है। अब इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्रेड करेंगे, या ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। अब नीचे का जो लेवल है 1350 का है, ऊपर का लेवल 1420 का है। 1420 के ऊपर निकलेगा तो हम बायर बनेंगे और 1350 के नीचे निकलेगा तो हम सेलर बनेंगे, ठीक है। ऊपर बायर बनेंगे और नीचे साइड हम सेलर बनेंगे। अगर मंडे को 1350 का लेवल क्रॉस करता है तो आप जो है बाइंग की साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ये देखिए
फाइनली इसने जो है कल और परसों के सेशन में ही जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि अगर 1830 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट जो है 1880 का लास्ट टारगेट था, यहाँ पर जो है कोटेक बैंक ने 1898 का हाई लगाया, तो हमारे दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव हुए हैं। नेक्स्ट एमआर आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अभी ये टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ है, अब यहाँ पर होल्ड कर रहा है। देखिए अभी ये जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 470 का लेवल, 470 के ऊपर जब तक आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है तब तक हम बुलिश हैं। 470 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम बेयरिश हो जाएंगे, हम सेलर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब कल के लिए हम जो है 485 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पर 490 रुपए, दूसरा 495 रुपए, तीसरा टारगेट 500 रुपए। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक देखिए एक्सिस बैंक के लिए ये जो सपोर्ट है ये देखिए ये लेवल अभी सपोर्ट का लेवल है। फाइनली देखिए मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए बेरिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। तो बेरिश कैंडल के नीचे मैंने आपको यहाँ सेलिंग के लिए बताया था 610 रुपए के नीचे, अगर जैसे ट्रेड करता है आपको सेल करने के लिए बोला था तो देखिए 610 से आज इसका जो लो लगा है वो लो लगा है 592 का। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आपको 600 का टारगेट दिया था, यहाँ पर देखिए जो है 8 पॉइंट ज्यादा ही यहाँ पर नीचे की तरफ गिरावट हुई है। नेक्स्ट हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक देखिए अब यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक को इस लेवल के ऊपर ट्रेड करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये लेवल जो है ऊपर 845 का है, 850 के ऊपर निकलता है तो आप इसको ट्रेड करिए। जैसे ही मंडे को 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे आप जो है बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पहला टारगेट आपका होगा 860 रुपए, दूसरा 870 रुपए, तीसरा 885 रुपए। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए अभी यहाँ पर देखिए काफी अच्छी मूव हो चुकी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैं पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ये ड्रॉ कर लूंगा। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लेवल था देखिए ये 190 से ही यहाँ पर मूव कंटिन्यू हो चुकी है, और 190 से मतलब 250 के तक मूव मतलब 60 रुपए की मूव हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 25% यहाँ पर मूव हो चुकी है, तो अभी मे भी यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा मतलब टाइम इसको लगेगा। यहाँ पर अगर मंडे को ये 245 के ऊपर निकलता है तो आप 247 और 250 के लिए यहाँ पर बाइंग साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न पे यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हमारी बाइंग जो एक्टिव होगी ये डबल टॉप पैटर्न के ऊपर जब 63 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगेगा तब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। और एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करके बताई थी कि यहाँ देखिए अगर ये लेवल जो ब्रेक करेगा जो कल का जो लो लगा हुआ था 58 का, तो मैंने बताया था अगर 58 का लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर जो है ट्रेड बना सकते हैं। बट देखिए मैं आपको जो है मना ही करूंगा, अवॉइड करिए ऐसे ट्रेडों को जो 100 रुपीज के नीचे हैं। मैं तो फिलहाल 500 से नीचे जो स्टॉक्स है मैं उनको ट्रेड नहीं करता हूं। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक भी देखिए ये भी लमसम अपने जो है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट तो यहां पर हो चुका था, जो 18 नवंबर के जो कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो 18 नवंबर के कैंडल को ब्रेकआउट हो चुका था और उसका हाई जो बना है 223 रुपए। अब हम यहां पर बाइंग करेंगे सिर्फ 223 रुपए के ऊपर, अदरवाइज अभी हम इसको ना बाइंग की तरफ देखेंगे ना सेलिंग की तरफ। देखिए कंफर्म ट्रेड करिए, ठीक है ना, जो ट्रेड कम करिए, क्वालिटी ट्रेड करिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको एक ट्रेड ही 1000 रुपए बना के दे सकता है, ठीक है ना, उससे आपका उससे अच्छा है कि अगर 1000-1000 करके आप 10000 बना रहे हैं उससे अच्छा है कि आप एक ट्रेड में 10000 रुपए बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था बट ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली देखिए नीचे की तरफ जो है मूव हो चुका है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये जो 31 के ऊपर अगर निकलता है तभी हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और जैसे इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर सेल साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में। अब चलिए अब टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने टेलीग्राम चैनल अपना ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए फर्स्ट मैं आपको चलिए लेके चलता हूं, मैं पहले ट्रेड से मैं आपको देखिए मैं आपको लॉजिकली चीजें बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा किस तरह से मार्केट में मूव होती है, किस तरह से मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है ना। आपको कब ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जब यहां पर मार्केट ओपन हुई थी आज स्टार्टिंग 9:15 पर, तो यहां पर देखिए मैंने आपको एक साइन दे दिया था कि अगर यहां से ये ऊपर की तरफ निकलता है या फिर इसको ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है इसको क्रॉस करता है तो आप यहां पर बाइंग साइड जा सकते हैं, अदरवाइज ये एक सपोर्ट लेवल था नीचे की तरफ, इसको ब्रेक करेगा तो आप सेल साइड जाइए। फाइनली देखिए यहां से जो है इसने 150 पॉइंट्स की मूव दी थी और ये एक अच्छा ट्रेड बन गया था। नेक्स्ट ये देखिए
यहाँ से हम मैंने कॉल दी थी, आप मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ से मैंने कॉल दी थी और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर मूव हुई है। ये मैंने दूसरा चार्ट पोस्ट किया था, इसको चार्ट अपडेट किया था। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैंने आपको सेटअप दिया था कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, बिकॉज वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम और ये फोर्थ टाइम जा रहा था, ठीक है ना। मे भी देखिए तीन बार, कभी भी कोई भी लेवल अगर तीन बार टेस्ट हो जाता है तो वो चौथी बार, पांचवी बार या छठी बार में जो है लेवल ब्रेक कर देता है। सो यहां पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ भी, मान लीजिए अगर रिवर्स होता है तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से रिवर्स कर सकता है या ऊपर ब्रेक करता है तो आप ऊपर की तरफ जो है ट्रेड ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने आपको जो है शायद तीसरा चौथे ट्रेड में मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आप ऊपर की तरफ जाइए, अदरवाइज यहां से ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाइए। और फाइनली देखिए ये नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया। अब मैं एक मिनट इसको, इस चार्ट को जरा ध्यान से देख लीजिए पहले। अब मैंने देखिए यहां पर ये बताया हुआ है कि अगर ये लेवल एक, देखिए ये ब्लैक कलर का मैंने रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, और यहां से अगर ऊपर निकलता है तब हम ऊपर की तरफ जाते, अदरवाइज नहीं जाते। तो फाइनली देखिए नेक्स्ट चार्ट में देखिए क्या हुआ, यहां पर नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और नीचे की तरफ शायद हमने ये जो कॉल ली थी, इस कॉल में हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ये हमने 379 पर ली थी, 28,500 की पुट ली थी, तो इसको हमने कुछ क्वांटिटी हमने 419 पर निकाल दी थी और फाइनली उसके बाद जो है इसने जो है सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने बाकी की 20% क्वांटिटी जो है हमने 407 पर निकाल दी थी। नेक्स्ट ट्रेड देखिए, जो हमारा लास्ट ट्रेड था वो एक बहुत जबरदस्त ट्रेड था। ये देखिए कितनी अच्छी मूव हुई है, मतलब काफी हम कह सकते हैं कि मतलब 300 से 400 पॉइंट्स की जो है डाउनफॉल मूव हो गई थी, मतलब यहां पर ये देखिए कंटिन्यू। और यहां पर देखिए, चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब यहां पर ये चीज ब्रेक हो गया था उसके बाद मैंने नेक्स्ट चार्ट आपको पोस्ट किया था, और नेक्स्ट चार्ट में मैंने आपको बताया था कि देखिए यहां तो ब्रेक हो चुका है, अब अगर इसके डे लो के नीचे निकलता है तो आप जो है फिर दोबारा सेलिंग के लिए कोई नया ट्रेड बना सकते हैं या फिर उसी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया था, अब यहां पर इस तरह की कैंडलें बनने लग गई थी, मीन्स मतलब ये सपोर्ट के आसपास जो है एक रेंज बनाने लग गया था। तो फाइनली मैंने आपको नेक्स्ट चार्ट देखिए, वैसे इसने मतलब अपना टारगेट पूरा कर दिया था, नेक्स्ट चार्ट मैंने आपको दोबारा पोस्ट किया था। देखिए मार्केट में इस तरह का सिनेरियो बन रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न का सिनेरियो बन रहा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको बताया गया था, मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर की तरफ निकलता है ऊपर की तरफ, अदरवाइज नीचे की तरफ। मे बी यहां पर मुझको भी लग रहा था कि ऊपर की तरफ निकलेगा, बिकॉज मैंने पिछला ट्रेड जो है, इससे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने पुट का ट्रेड लिया था, वो मैंने देखिए वो मेरे ट्रेलिंग SL हिट हुआ था, 80% क्वांटिटी हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था और 20% क्वांटिटी को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, वहां ट्रेलिंग SL हमारा गया था और हमने, मेरे को मतलब पूरा मतलब एक उम्मीद लग रही थी कि अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, बिकॉज बार बार ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस ले रहा था। और फाइनली यहां पर देखिए क्या हुआ, एक बूम हुआ बहुत जबरदस्त, ये देखिए कैंडल, ये 2 मिनट की कैंडल है, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा एक अप मूव हुआ। अब अगले चार्ट देखिए, ठीक है। अब यहां पर ये 5 मिनट का चार्ट है, ये ऊपर तक जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये यहां से कुछ नीचे आ सकता है, ठीक है ना। फाइनली ये देखिए यहां से नीचे आया, देखिए कितना नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ। अब देखिए मतलब ये जो चीजें हैं, जो मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब चीजें देखिए मैं आप लोगों को एक हिंट के लिए है, आपके क्लू के लिए है कि मतलब आपको एक मार्केट का सिनेरियो पता चल जाए, चीजें पता चल जाए, मार्केट किस तरह से ट्रेड करती है, ये सब चीजें आपको वहां पर पता चल जाती है। सेकेंड देखिए, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड मैं खुद करता हूं, जो पर्सनल ट्रेड करता हूं, वो पर्सनल ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां पर अकाउंट खोलिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में। वहां से आप जो है अकाउंट खोलने के बाद आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पर आपको मेरी पर्सनल कॉल्स मिल जाया करेगी, ठीक है। तो जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही ट्रेड आपको मिला करेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।